हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कविता कौशिक। और मैं हूँ राघव जुयाल। और हम जो है ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी बिल्डिंग में, हमारी जो सोसाइटी है, मोहल्ला जो है हमारा, उसमें घटना हुई है जिसकी वजह से मैं और हम बहुत सारे आर्टिस्ट्स और जो लोग अवेयर हैं वो बहुत परेशान हैं। क्योंकि यहाँ पर एक आदमी ने एक महिला के साथ बहुत बदतमीजी की है, एक साल तक बदतमीजी करते रहा है। उनकी जिम में जो एक्सरसाइज वर्कआउट कर रही है उसकी सीसीटीवी में जाके फुटेजेस लिए हैं। उनके साथ वो कहीं और जहाँ स्पोर्ट्स क्लब में जाके एक्सरसाइज कर रही है वहां तक पीछे चले गए हैं। उनको परेशान किया है, हरास किया है, बहुत सारी बातें बोली हैं। बेसिकली एक साल से ये लेडी जो कि एक हाउस वाइफ है, दो छोटे छोटे बच्चों की माँ है और एक्सरसाइज करने वो जिम जाती थी, अलग अलग मौके पर इस व्यक्ति ने इनको तंग किया है, बहाने बना बना के इनसे झगड़े किए हैं और इतने गंदे झगड़े किए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मतलब हम लोग अनसेफ फील कर रहे हैं हमारी माओं के लिए, बहनों के लिए, जो भी है, क्योंकि वो अगर हम ऐसे एनवायरमेंट में रहेंगे, हमारे आसपास ऐसा एनवायरमेंट रहेगा जहां हम रहते हैं, जहां हमारा घर है, तो हम कैसे सेफ फील करेंगे, स्पेशली इस माहौल में जहां पर देश में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, रेप हो रहा है, औरतों को लेके इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इतनी स्ट्रांग हो रही हैं वुमेन, उसके बावजूद ये हो रहा है यहां पर। अब आप लोग ये कहेंगे कि पुलिस के पास जाइए, तो जी हाँ, वो लेडी तंग आकर एक साल तक डिप्रेशन में रहकर अपने घर से निकलने से भी वो डरती थी। एक साल बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने सोचा दैट शी हैज़ टू पुट एन एंड टू इट और वो पुलिस के पास गई। पुलिस में एफआईआर लिखवाने के बाद पुलिस ने इस बिल्डिंग में आकर तहकीकात की और उस आदमी को दोषी पाया ऑफ स्टॉकिंग हर और अनलॉफुली टेकिंग द सीसीटीवी फुटेज एंड रिकॉर्डिंग इट ऑन हिज फोन। तो उस लेडी को एक्सरसाइज करते हुए देखते थे और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते थे और उनसे अलग अलग दिनों पर आकर झगड़े करते थे। और फिर बेल हुई उनकी, बेल होके वो वापस आए, दोबारा क्लब हाउस गए, सीसीटीवी फुटेज खोला, वीडियो ली और फिर तोड़ा था सिस्टम, तोड़ा जहां पर गाने सुनते हैं जिम वगैरह में। तो ये बहुत अनसेफ है मेरे लिए एक आर्टिस्ट। नहीं, इतनी आवाज उठाने के बावजूद हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं। और वो एमसी मेंबर है, एमसी मतलब मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है, जो मैनेजिंग कमेटी है, और सारे मैनेजिंग कमेटी वाले कुछ कर नहीं रहे उसे हटाने के लिए। नहीं, इनफैक्ट वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में हम भारत की जनता से ये जानना चाहते हैं क्या करें कि जी हाँ, हमारा क्या दायित्व बनता है, क्योंकि हमने इस पूरी चीज के खिलाफ मुहिम उठाई, हमने पुलिस बुलाई, हमने शोर मचाया, हमने, ताकि ऐसा ना लगे कि हम बहुत सारे हैं और हम कोई वायलेंस कर रहे हैं, इसलिए हमने पुलिस का समर्थन लेके आवाज उठाई और उस लेडी को न्याय दिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इनफैक्ट हमें ये धमकियां सुनने को मिल रही हैं कि अगर हम चुप नहीं हुए, अगर हमने उस लेडी का साथ नहीं छोड़ा, तो कई केसेस हमारे ऊपर ही हो जाएंगे। सो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू? Yes, what should we do so that we as women stay safe in a society that we are paying so heavily for? आप जितना हो सके से रिपोस्ट कीजिए और फैलाइए कि ये हो रहा है और बड़ी सोसाइटियों में हो रहा है। ये कोई, you know, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है मुंबई की, यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये कब खत्म होगा हमारे देश से? और हमें ये भी बताइए कि हम आप लोगों के लिए कैसे खड़े रहे, हम ऐसा क्या करें, और कि क्योंकि इस देश का सिस्टम हर बार अक्यूज्ड को बचाने के लिए बहुत सारे लॉज निकाल लेता है और विक्टिम यहां से वहां सिर्फ चक्कर ही काटता रह जाता है। तो इसलिए हम आप सबको ये गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज इस सिचुएशन से आप अवेयर होइए एंड लेट अस नो व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। थैंक यू।